हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर 17, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, ऑन 1 जनवरी 2017 तरुण परचेज गुड फ्रॉम अरुण फॉर ₹20,000 एंड इमीडिएटली ड्रू अ प्रॉमिसरी नोट इन द फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 1 मंथ। डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द प्रॉमिसरी नोट वाज डिक्लेयर्ड एमरजेंसी हॉलीडे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। Tarun met the promissory note according to the provision of law. Pass the journal entries in the books of Arun and Tarun. Question में हमें बता रखा है कि Tarun ने good purchase किया Arun से 20,000 rupees के, जिस पे Tarun ने promissory note sign करके भी Arun को दे दिया, जो कि वो कह रहा है कि एक महीने बाद मैं तेरे को payment कर दूंगा। But जिस दिन payment करने की due date आई, उस दिन government of India ने emergency holiday घोषित कर दी। तो इसमें क्या होगा, आपको जब भी ड्यू डेट आए, जो हमारी कैलकुलेट होके आएगी, उसमें आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट डेट वाली ड्यू डेट माननी होगी। और तरुण ने अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिसरी नोट पेमेंट भी टाइम पे तरुण को दे दी है, अरुण को दे दी है। तो इसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, अरुण के बुक में भी और तरुण के बुक में भी। तो यहाँ पे तरुण हमारा ड्रॉई हुआ और अरुण हमारा ड्रॉअर हुआ। चलिए इसको पहले हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे अरुण के बुक में। तो अरुण के लिए क्या हुई है, अरुण के लिए तो सेल हुई है बिजनेस में। तो यहाँ पे आपको सेल वाली एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले डेट लिखिएगा 2017 जनवरी 1। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी तरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि तरुण ने परचेज करे ना गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे तरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। रिलेशन लिखिएगा गुड सोल्ड टू तरुण ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्या हुआ कि इसको बिल रिसीव हो गया, इसको बिल क्या हुआ, रिसीव हुआ। तो इसकी भी सेम डे पे बिल रिसीव हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किससे बिल रिसीव हुआ, तरुण से बिल रिसीव हुआ, तो टू तरुण। अमाउंट कॉलम में 20,000 डेबिट साइड आएगा, 20,000 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद इसकी नरेशन होगी बिल रिसीवेबल फ्रॉम भूषण। नेक्स्ट जो है आप ड्यू डेट वाली, अब क्या क्या पेमेंट आ गई, जब ड्यू डेट आई तो पेमेंट भी आ गई, पर ध्यान रखिएगा कि ड्यू डेट वाले दिन इमरजेंसी हॉलीडे हो गई है। तो आपको क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट डे कैलकुलेट करना होगा। तो पहले देखिए कि आफ्टर द 1 मंथ बोला है क्वेश्चन में, तो 1 फरवरी को 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 3 डेज आपको ग्रेस डेज के छोड़ जोड़ने होते हैं, तो 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को हमारी ड्यू डेट बन रही थी। क्वेश्चन में लिखा है कि क्या हो गया, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अब जो ड्यू डेट मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, फरवरी 5, मतलब कि 5th ऑफ फरवरी अब ड्यू डेट होगी, क्योंकि हम एक दिन बाद की ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे जब भी इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप फरवरी 5, और आपको कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट इसकी एंट्री करनी होगी, क्योंकि कैश तो आगे दे दिया ना उसने, तो बिजनेस के पास अरुण के पास कैश आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने अरुण की जर्नल एंट्री भी कर दी है, अरुण की बुक में जर्नल एंट्री कर दी है। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, द अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब तरुण के बुक में जर्नल एंट्री करेंगे। तो तरुण ने अब क्या करा है, तरुण ने तो परचेज करी है, तो ये परचेज की एंट्री करेगा अपने बुक्स में। डेट आप वही डालेंगे 2017 जनवरी 1, परचेज अकाउंट डेबिट किससे परचेज करिए, अरुण से परचेज करिए, तो टू अरुण। अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन लिखिएगा गुड परचेज फ्रॉम अरुण ऑन क्रेडिट। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, तो सेम डेट पे क्या हुआ, इसने प्रोमिसरी नोट भी साइन करके दे दिया। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी किसको दिया, अरुण को दिया, तो अरुण डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, क्योंकि इसके लिए वो बिल पेबल हो गया एक तरह से, तो बिल पेबल अकाउंट आप लिखेंगे 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा बिल गिवन टू अरुण। नेक्स्ट जो लास्ट हमारी जनरल एंट्री होगी, इसमें आपको डेट क्या लिखनी है, ड्यू डेट। ड्यू डेट अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप फरवरी 5 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको डेट लिखना, अब आपको जनरल एंट्री करनी है कि इसने पैसा दे दिया, तो उसके बाद पैसा कम हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आपको लिखनी होगी द अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट। अब यहाँ तक हमने तरुण के बीच सारी जनरल एंट्री कर दी है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करके दिखाना था, अरुण और तरुण की बुक में हमें जनरल एंट्री करके दिखानी थी, जो कि हम कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।